तो हमारी आज इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा जो नया हमारा टॉपिक है वीवीए प्रोग्रामिंग, राइट। इससे पहले हम आपके साथ जो है बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग माइक को किस तरह से हम एडिट करते हैं और किस तरह से इसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने ऑफिशियल लाइफ में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम यूज करेंगे, सॉरी, कोड कंसेप्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोड कंसेप्ट मतलब कि हम कोडिंग का क्या कंसेप्ट है, क्या है, किसके बारे में कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। शुरुआती दौर में मैंने बताया था कि किस वीवीए को इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको डेवलपर टैब आपके पास होना चाहिए, हमने आपको बताया था कि आपके पास आपका मैक्रो सिक्योरिटी को अनेबल होना चाहिए, और फिर हमने आपको बताया था इसमें कि फाइल को हमेशा सेव करेंगे डॉट एक्सएलएस एम फॉर्मेट, मतलब कि माइक्रो अनेबल वर्कबुक। विजुअल बेसिक इस पर क्लिक कीजिए, ये बाय डिफॉल्ट जो आपका वीवीई विजुअल बेसिक एडिटर जो दिख रहा है वो डिफॉल्ट होता है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, वीवीई आपके सामने खुलेगा। अब इसके थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में देखिए, वीवीई ओपन करेंगे तो सबसे पहला ये तो पूरा स्क्रीन में ओपन होता है, मैंने हाफ कर रखा है, इफेक्ट को जल्दी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं कि एक आपका वीवीए प्रोजेक्ट है। देखिए कोडिंग करने के लिए दो तीन चीजें चाहिए, पहले आपको वीवीए प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर आपके जितने भी सीट्स हैं उन सीट्स का लिस्ट है, मतलब जो एक्सेल फाइल के अंदर में आपके जो भी शीट्स हैं उन शीट्स का लिस्ट आपको यहाँ दिखेगा। फिर आप मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, मॉड्यूल दिखे, मतलब जो भी आपके इस माइक्रो से रिलेटेड इस फाइल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है वो सारा प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ आप देखें तो जो भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं उनका यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो होता है जो दिख रहा है आप, तो आपको यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को शो किया जाएगा। तो कोडिंग हम कहाँ करें, क्या हम सीट के ऊपर डबल क्लिक करें, हम यहाँ भी कोडिंग कर सकते हैं, कोडिंग जो भी होती है इसी एरिया में होती है, तो हम यहाँ भी इसकी कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी सीट के ऊपर डबल क्लिक करके आपने कोडिंग किया, इसका मतलब है कि उसकी जो कोडिंग है वो इंस्टॉल होगी, मतलब कि वो सेव होगा उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में। अगर कल के डेट में मैंने इस सीट को डिलीट कर दिया तो हमारा जो भी कोड है वो भी सारा डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए हम जब भी कोडिंग करते हैं वो मॉड्यूल्स में करते हैं। मॉड्यूल्स कहाँ से इंसर्ट होगा, तो वीवीई विजुअल बेसिक एडिटर के इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको यहाँ मॉड्यूल्स जो भी है क्लिक करके ला सकते। मॉड्यूल्स में कोडिंग करने का दो फायदा है, पहला फायदा कि मॉड्यूल्स के अंदर जो भी हम कोडिंग करते हैं वो फाइल के अंदर सेव होती है, फाइल प्रॉपर्टी के अंदर सेव होती है, वो किसी पर्टिकुलर सीट ऑब्जेक्ट के अंदर सेव नहीं होती है। सेकेंड थिंग, ये तो फर्स्ट थिंग हुआ, सेकेंड थिंग ये हमारी जो जो भी हमारी प्रोग्रामिंग हम करेंगे वो किसी और सीट से भी कनेक्टेड होगा। जनरली शीट पे जब हम प्रोग्राम करते हैं तो फिर वो किसी और शीट का रेफरेंस को नहीं लेता है, लेकिन इसमें किसी और शीट का रेफरेंस लेगा। तो दो चीज क्लियर हो गई, कोडिंग यहाँ करेंगे। अब कोडिंग करने से पहले हमें दो चीजें डिक्लेयर करना होगा कि हम माइक्रो का नेम देंगे पहले। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा सब, सब फॉर सब्जेक्ट, हम सब भी लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं पब्लिक सब। माइक्रो के टाइप्स मैंने पढ़ा रखे हैं कि माइक्रो दो तरह से होता है, पब्लिक माइक्रो और प्राइवेट माइक्रो।
पब्लिक मैक्रो, तो पब्लिक सब लिखे या फिर सब लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनरली हम लोग टाइम बचाने के लिए सब ही लिखते हैं। नहीं मैक्रो नेम, जो भी मैक्रो नेम आप देने वाले हैं, जैसे लिख दिया टेस्ट टूडे। अब देखिए जब भी मैक्रो नेम अगर लिखते हैं तो उसके बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, या डॉट नहीं होना चाहिए, या डैश होना चाहिए, या अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर हो सकता है, तो देखिए अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर आप ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करके जैसे एंटर प्रेस करेंगे एंड समाप्त कर सकते हैं। तो मतलब एक सब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एक ट्रिगर क्रिएट हो गया, अब इसके बीच जो भी हमें प्रोग्रामिंग करनी है इसी के बीच में करनी है। और रन कहाँ से, हम अगर VBA एडिटर हमारे पास है तो मैं डायरेक्ट इस पे रन कर सकता हूँ, या फिर आप डेवलपर टैब या व्यू टैब में मैक्रोज में जाके अपने मैक्रोज को सिलेक्ट कीजिए और उसको रन कीजिए, जैसे टेस्ट टुडे लिस्ट पर आ जाए। सर एक क्वेश्चन है ये, सर बोलिए। हम जब आज मैक्रो रन करने की कोशिश कर रहे थे उसमें पूरा ब्लैंक था, कुछ आ ही नहीं रहा है, सब जो सेव किए कुछ था ही नहीं, जो मैक्रो कुछ पॉपअप नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैक्रो नेम यहाँ पे आ रहा था है? जो मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया था उसको मैक्रो लिस्ट में नाम आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब ये जो साइट में जो बटन सब है ना, रन स्टेप इनटू एडिट डिलीट ऑप्शन, ये सब डिसेबल हो गया है। लिस्ट में नाम नहीं था इसमें, नाम कुछ था? नहीं तो पहले एक बार कल पहले मेरे पहले नियम को आपने फॉलो नहीं किया था। मैंने क्या बोला कि जब भी आप मैक्रो क्रिएट करेंगे तो सेव करेंगे फाइल को डॉट मैक्रो एनेबल वर्कबुक, आपने उसको एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया, जिस कारण से आपका मैक्रो डिसेबल हो गया और सारा का लॉस्ट हो गया। अच्छा तो कैसे सेव करेंगे बताइए? सेव करते समय यहाँ पे डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है एक्सेल वर्कबुक, जिसको चेंज करके आपको एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक करना है फिर सेव करना है। आप जो डिफॉल्ट एक्सेल का अच्छा फॉर्मेट है वो मैक्रो डिसेबल फॉर्मेट होता है और मैक्रो एनेबल फॉर्मेट होता है .xlsm इसका एक्सटेंशन है। अगर आप अपने फाइल को मैक्रो रिकॉर्ड या कोड करने के बाद जब सेव करते हैं तो सेव आपको इसी में करना है, अगर आपने इसके अलावा कोई और फॉर्मेट में सेव किया तो आपका सारा मैक्रो लॉस्ट हो जाएगा और आपको लिस्ट में दिखेगा ही नहीं। अच्छा 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 तो ये एक बात बताइए कि वो जो एक और क्वेश्चन है उसी से कि वो जो शीट है जिसमें हम मैक्रो रन करके सेव उस शीट को सेव किए थे मैक्रो एनेबल्ड करके, राइट? ठीक है, तो अब अगर दूसरा शीट हम अगर डाउनलोड करते हैं, ठीक है, मान लीजिए डाउनलोड किए डेटा, ठीक है, रॉ डेटा डाउनलोड किए, डाउनलोड करने के बाद वही वाला मैक्रो अगर हम रन करना चाहते हैं तो रन का हो सकता है? जब तक वो फाइल ओपन है, देखिए एक फाइल के अंदर में आप कोई भी मैक्रो कहीं भी रन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आप दूसरे फाइल पे ही मैक्रो को रन कर सकते हो, बट वो पहला फाइल जिसमें आपने रिकॉर्ड किया है वो आपका ओपन होना चाहिए। अच्छा, वो ओपन होना चाहिए तब इसमें रन कर जाएगा। हाँ। ओके ओके ग्रेट, ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़े सर? हाँ बिल्कुल सर। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि हम कोडिंग करें तो क्या करें और किस सिक्वेंस में करें, क्योंकि यहाँ पे सिक्वेंस बहुत जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे एक कोड करना है कि नेम, यहाँ पे रोल और मार्क्स, ये तीन चीजें हमें लिखनी है, राइट? तो इसके लिए कोड क्या होगा, हम सबसे पहले लिखेंगे रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, फिर लिखेंगे सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, तो ठीक है। अब इसी चीज को कंटिन्यूस होगा, तो ये आप यहाँ सीक्वेंस देख रहे हैं ना कि पहले हम A1 को या B1 को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम उसके अंदर डेटा टाइप कर रहे हैं, राइट? ठीक है। अब ये अगर सीक्वेंस आपका गड़बड़ हुआ, मतलब कि पहले आपने टाइप किया और बाद में ना सिलेक्शन किया, तो आपका गड़बड़ हो सकता है, समझ गए? अच्छा, जैसे कि पिवट टेबल लगाना है तो पहले डेटा को सिलेक्ट करना है फिर पिवट टेबल लगाना है, अगर पिवट टेबल लगा के डेटा को सिलेक्ट करने का कोड दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना?
तो सीक्वेंस जरूरी, जैसे मान लीजिए मुझे सीट वन के रेंज, मान लीजिए कि मुझे करना है कि मुझे डेटा सीट के रेंज ए वन पे, रेंज ए वन के डेटा संदीप को मुझे सुजीत करना है, तो उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा कि शीट्स डेटा डॉट सेलेक्ट, मतलब कि एक्टिवेट, उस पर जाना है हमें, सीट पे हम क्लिक करके उसके अंदर घुसेंगे, फिर रेंज ए वन, फिर हम ए वन को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम लिखेंगे सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू सिटी, समझ गए? तो अगर मान लीजिए कि हमने सिलेक्शन का मैंने यहां से हटा दिया तो फिर एरर देगा, सी सिलेक्शन का हमने सीक्वेंस गिरा दिया, नीचे डाल दिया तो एरर देगा, तो सीक्वेंस जरूरी है, राइट? तो सीक्वेंस को समझने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे मैको लिखे या कोई सॉफ्टवेयर बनाए या कुछ भी करें, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर जाना पड़ता है, मतलब कि उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है एनालिसिस, कि पहले हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम करते हैं उसकी एल्गोरिदम, फिर करते हैं हम कोडिंग, फिर करते हैं टेस्टिंग, फिर रिकोडिंग, फिर टेस्टिंग, ये लूप में चलते रहता है, देन हम करते हैं अप्लाई। देखिए सबसे पहले हम अपने जो भी हमें माइक्रो या जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सबसे पहले उस पर उसको एनालाइज करते हैं, उसका छोटा तरीका और सिंपल तरीका हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो उस तरीके को एल्गोरिदम में स्टेप्स में हम उसको लिखते हैं, ताकि हमारा कोई स्टेप मिसिंग ना हो या कोई कंडीशन छूटे नहीं, राइट? फिर उसकी हम कोडिंग करते हैं, कोड करने के बाद हम टेस्ट करते हैं कि हमारे सारा कोड परफॉर्म कर रहा है अच्छे तरीके से, नहीं कर रहा है अलग अलग एंगल से, फिर उसको हम वापस से रिकोड करते हैं, कब जब एरर निकलता है, तो फिर उसको रिकोड करने के बाद हम टेस्ट करते हैं, तब तक चलती रहती है जब तक हमारे कोड में कोई किसी भी तरह का एरर ना हो, उसके बाद फिर उसको हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने रिपोर्ट्स में। आप लोगों से इतना झमेला क्यों, एल्गोरिथम लिखना पड़ा क्या? मान लीजिए कि ये चीजें वहां पे अप्लाई नहीं होती है जहां पे आपका कोई ऐसा फाइल, कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो होगी, आप खुद मैनुअली इसको कर रहे हो, उसके सारे स्टेप, उसके सारे फीचर्स, उसके हर एक चीज के बारे में आपके पास जानकारी है, तो आप खुद ब खुद दिमाग से लगा दोगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर संजीव जी ने मुझे बताया कि सर मेरा एक फाइल है, इस फाइल पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, इसको ऐसे से हम इसको रिपोर्ट बनाते हैं, इसको ऑटोमेट कर दिए, तो प्रॉब्लम ये होगा कि मुझे तो पहली बार सुना, हो सकता है कुछ भूल जाऊं, किसी के बारे किस चीज के बारे में पता ना, तो मैं क्या करूंगा कि उनकी प्रॉब्लम को समझूंगा, उसको समझने के बाद एनालाइज करूंगा, फिर उसके पूरे के स्टेप्स को निकालूंगा, फिर स्टेप्स को कंफर्म करूंगा कि हाँ यही स्टेप्स से रिपोर्ट बनाते चाहते हैं, जो फाइनल करेंगे, देन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम कोडिंग करेंगे, फिर उस कोड को हम टेस्ट करेंगे, फिर रिकोड करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे और फिर उसको अप्लाई। ये प्रोग्रामिंग करने का तरीका है। कुछ करना सर इस तरीके के बारे में? नहीं नहीं सर, सही बोल रहे हैं। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी ऐसा ही, सॉफ्टवेयर जो कोडिंग होती है ना सर, उसमें भी ऐसा ही होता है। हाँ, सेम बताओ। ये चीज मैं बता रहा हूँ, मैं हम लोग खुद एमसीबीसी में इसको पढ़ा है, इसे बता रहा हूँ। सही बोल रहे हैं। और माइक्रो में इसका यूज इसलिए होता है क्योंकि आपके माइक्रो में होता है क्या है कि इसी देखिए, अगर इसको ना ध्यान में रखते हुए जनरली आप काम कर सकते होता है क्या है कि अगर आप पूरा तैयारी के साथ मैक्रो ना बनाए तो हो सकता है कि पहली बार आपको रन कर जाए, दूसरा बार थोड़ा सा डेटा का फॉर्मेट फॉर्मेट या सिचुएशन या लोकेशन चेंज हुआ तो फिर वो आपका एरर रहेगा, समझे? तो दिक्कत क्या होता है कि हमने फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं, समझा नहीं, उसको रिसर्च ही नहीं किया, जैसे जैसे प्रॉब्लम हमको मिलता है उसको सोल्यूशन देते चले गए। जैसे कि काम करते करते लोग सीखते हैं ना,
जैसे जैसे उनको प्रॉब्लम मिलता गया ऐसे ऐसे वो उसकी सोल्यूशन ढूंढते गए। लेकिन एक इंजीनियरिंग क्या करता है कि पूरे प्रॉब्लम को पहले सुन पढ़ता है, सोल्यूशन लेता है, देन उसको करके देखता है। वही बात हो जाती है। इसका इस्तेमाल हमने शुरू में हमने भी यही सोचा था कि यार क्या करना है, हम लोग इंजीनियरिंग थोड़ी कर रहे हैं, माइक्रो तो बनाना है आपको खुद। लेकिन क्या होता था कि हम एक माइक्रो बना लेते थे, उस समय काम कर जाता था, अगले दिन क्या होता था थोड़ा सा डेटा का फॉर्मेट चेंज हो जाता था, जैसे बीच में कोई ब्लैंक लाइन आ गई, हमने सोचा ही नहीं कि बीच में ब्लैंक लाइन आ सकती है, और ब्लैंक लाइन आ गई। अगले दिन क्या हुआ, फिर कोडिंग को समझना, फिर उसको एरर को ढूंढना, फिर उसको चेंज करना, मतलब कि हर दिन जो है टाइम वेस्ट होता था। लगता था कि यार अच्छा था मेमोरी पूल बना लेता, इसलिए जरूरी राइट। तो एनालिसिस तो आपकी आपके अंदर की चीज है कि आप प्रॉब्लम को खुद फाइंड करो और सोल्यूशन निकालो। एल्गोरिथम पढ़ने की चीज, एल्गोरिथम क्या है, स्टेप्स है। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको एक सिंपल सा 4-5 लाइनों का कोड बताया, मान लो इसका एल्गोरिथम क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट मतलब की डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो, उसके बाद क्या होगा सिलेक्ट A1 एंटर, सेलेक्ट B1 एंटर, रॉ सेलेक्ट C1 एंटर, मार्क्स। मान लो इसे आगे करना है, सेलेक्ट A1 से C15 अप्लाई All border, select A16, enter border, apply bold, apply underline, select C60, apply some formula, समझे। अब इससे हमें कोड इसमें क्या होगा कि हम लोग इसको नोट पैड में बनाएंगे, अपने कॉपी पे इसको लिखेंगे, फिर इसके आगे इसका कोड लिखते चले जाएंगे। मान लो किसी का कोड हमें नहीं आया, हम उस पर उसी समय रिसर्च करेंगे। समझ गए, ये ऊपर में सर H1 में आप सॉर्ट लिखे हैं कि सॉर्ट लिखे हैं क्या H1 हाँ। क्या हुआ सर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो क्या हम राजकीय कृत विद्यालय पढ़े हैं, स्कूल में नहीं पढ़े हो सर। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आप लोग ऑफिस में काम करते हैं, कम से कम 10 एल्गोरिथम बनाना है सर। ऑफिस में जो काम करते हैं उसके स्टेप्स को लिखिए, 10 एल्गोरिथम, उसका फोटो खींच के मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए मुझे। किसी एक चीज और पता चलता है, आपने देखा होगा कि मैं कभी अपने सीट में यहाँ पे कभी वर्कशीट यहाँ पे देखिए सीट्स का इस्तेमाल किया, कभी रेंज का इस्तेमाल किया, कभी सिलेक्शन का इस्तेमाल किया। हाँ, अपन डिसाइड किए ऐसे कि हमें कौन सा कोड लिखना है। तो बेसिकली जैसे कि आप लोग अपने याद होगा कि जब आप इंग्लिश लिखे थे तो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था उसी तरह से ये इसके भी उसमें आपने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या बहुत सारी चीज पढ़ा था, उसी तरीके से इसके भी जो है ऑब्जेक्ट्स। तो हम कोई भी कोडिंग को 4 कोड से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है वर्क, ठीक है, तीसरा है शीट्स, चौथा है रेंज। हर किसी के अपने अपने नाम है, अलग एक अलग अलग निकनेम भी है। जैसे कि वर्कबुक को हम एक्टिव वर्कबुक भी लिखते हैं, ठीक है, अलग सिचुएशन में। ऐसी शीट्स को भी हम 2 अलग नाम, एक्टिव शीट और शीट से भी लिखते हैं। ऐसे रेंज को भी हम एक्टिव सेल्स, सिलेक्शन, सेल्स ऐसे नामों से भी लिखते हैं। तो
तो अलग सिचुएशन में इसका इस्तेमाल होता है। देन इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि हमारा 85% कोड इन चार से स्टार्ट होता है, समझे? ठीक है सर। मतलब कि हम क्या है कि हम जो एक्सेल में कोई भी काम करते हैं उसका इफेक्ट इन चारों में पड़ता है। मान लीजिए हमने कोई सेटिंग को चेंज किया तो वो एप्लीकेशन पे पड़ेगा, मान लीजिए अगर हमने कोई फाइल के साथ छेड़छाड़ की तो फाइल पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर हमने शीट के साथ कुछ कर रहे हैं तो शीट पे पड़ेगा, अगर हम एक्सेल पे कुछ कर रहे हैं तो रेंज पे पड़ेगा, समझे? तो आपके कौन से कोड पे, जैसे मैं आपके शीट समय लिया था, हमने कैसे डिसाइड किया है हाँ शीट लेना है, क्योंकि जो काम हम करने जा रहे हैं लाइन ऑफ कोड में वो कोड एक सीट को इफेक्ट कर रहा है, मतलब कि हमें किसी सीट को एक्टिवेट करना है तो हमें सीट को लिया, हम एक रेंज पे क्लिक करना है तो हमने रेंज को लिया, ठीक है? ऐसे किसी रेंज में वैल्यू डालना है तो रेंज का ऑल्टरनेटिव निकनेम जो सिलेक्शन को लिया, क्योंकि रेंज में हमें एक पर्टिकुलर देना पड़ेगा A1.select, हमें ये कहना है कि जो सिलेक्टेड है उसी पे वैल्यू डालो, तो हमें सिलेक्शन दे दिया। तो ये सब चीजें कैसे समझ में आएगी जब आप एल्गोरिथम को करोगे, तो जैसे एल्गोरिथम के स्टेप्स को लेते जाओगे आपको ध्यान में आता जाएगा कि इसमें कौन सा कोड इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे अभी, आप क्या करेंगे कोड को एल्गोरिथम, मुझे कम से कम 10 आपने रिपोर्ट की एल्गोरिथम का स्नैपशॉट लिखे भेजे, और साथ में आप एक नोटबुक रखें, ठीक है, जिसमें जितने भी कोड आप अच्छा। लिखते हैं उस कोड की आप लिखेंगे, हर एक कोड की डायरी बनाएंगे आप, ठीक है सर? ठीक है सर। हर एक कोड की डायरी होनी चाहिए, चाहे मैं लिखता हूं या आप लिखते हैं, आपके कोड की डायरी होनी चाहिए, वो डायरी आपको आगे चल के बहुत काम आएगी, इसलिए बोल रहा हूँ सर। ठीक है सर। हाँ तो मिलते हैं कल से। तो एक चीज और पूछना था सर। बोलिए। हाँ एक क्वेश्चन था सर, तो आपकी आज्ञा हो तो पूछेंगे, पूछ सकता हूँ। हाँ तो ये पूछ रहे थे कि एक बेसिक क्वेश्चन है, एक तो आपने है कि उसको माइक्रो इनेबल शीट में उसको सेव करना है। हाँ। हाँ। और वो शीट हम जिसके ऊपर हम फिर से रन करेंगे, वो शीट और जो मैक्रो वाली शीट है उन दोनों का लोकेशन एक ही फोल्डर होना चाहिए। मतलब समझाने आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि जिस शीट में मैक्रो लगा हुआ है, राइट, जिसको मैक्रो इनेबल शीट में हमने उसको मतलब करके सेव कर दिया। हाँ। ठीक है, और ये जो शीट है जिसको मैंने फिर से डेटा, फ्रेश डेटा डाउनलोड किया, ठीक है, और इसके ऊपर रन करना है हमको, वो शीट और ये शीट दोनों खुली ओपन होना चाहिए, ओपन होते ही वो ऑफिस लाइब्रेरी में चला जाता है ना। अच्छा अच्छा, वो अपने आप कनेक्ट कर लेता है। हाँ। और उसको मैक्रो इनेबल शीट को कहीं से भी हम उसको ये कर सकते हैं, सेव कर, कहीं भी सेव कर सकते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मुझे ये कोड बन गया, ठीक है, अब कोड में जाकर के अगर मुझे एडिट करना है तो मैं डेवलपर में जाकर के व्यू कोड में जाकर एडिट कर सकते हैं? जरूरी नहीं है, माइक्रो लिस्ट में एडिट होता है ना। हाँ जहाँ माइक्रो लिस्ट में वहां से भी कर सकते हैं, वहां से सिलेक्ट करके। हाँ। और फिर उसको हम, हाँ, इसको एडिट, एडिट बटन पर क्लिक करके, सिलेक्ट करके, एडिट पर क्लिक करके, उसके बाद जो हमको उसमें जो एक्स्ट्रा स्टेप्स है उसको समझ करके फिर उसको हम एडिट कर सकते हैं। आप जानते ही सकते हो? नहीं सर, वो हम तो सर जान, वो ये अगर मैक्रो बन जाने से सर काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है सर, तो पहले एल्गोरिथम बना के दीजिए, भाई बाकी चीजें भी डिस्कस कर लेंगे, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है सर, ओके ओके। सर सुजीत जी, इसका रिकॉर्डिंग आप उसमें शेयर कर रहे हैं ना? रिकॉर्डिंग में मेगा ड्राइव में डाल देता हूँ, कल से मिल जाएगा, मेगा ड्राइव मिल जाएगा सर। हाँ ठीक है, चलेगा। तो सर अभी वो मेगा ड्राइव में डाला है क्या पहले का रिकॉर्डिंग? सर पहले की रिकॉर्डिंग चली हुई है, आज की रिकॉर्डिंग में डाल देता हूं। तो वो एक चीज क्वेश्चन था कि वो उसमें दिख नहीं रहा है सर मुझे। ठीक है, चेक करता हूं, चेक करके और रिप्लाई करता हूं। ठीक है सर, ठीक।